उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 43, इसमें बोला गया है कि मनुस्मृति के हिसाब से वुमेन यानी कि औरतों को किस तरीके से वेल्थ एक्वायर करने के आज़ादी थी और किस तरीके से उनको वेल्थ एक्वायर करनी चाहिए थी, मनुस्मृति के हिसाब से आपको बताना था। तो गाइस इसमें इसका जवाब है, तो मुझे इसका जवाब अगर फर्स्ट जब मैंने सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखा था तो मुझे लग रहा था इसका आंसर होगा इनहेरिटेंस, क्योंकि हमारे यहाँ पे डाउरी को भी इसी तरीके से जस्टिफाई करते थे लोग कि ये एक तरीके से इनहेरिटेंस है, क्योंकि बेटी के साथ जो पिता की प्रॉपर्टी होती है उसको डायरेक्टली डायरेक्टली तो हम डिवाइड नहीं करते थे पहले, तो ये करते थे कि डाउरी में उसको उसके हिस्से की जो भी प्रॉपर्टी होती थी उसको दे देते थे। लेकिन उस चीज़ को अभी ये इसका आंसर नहीं है फिर भी, मतलब जितना भी हमें जस्टिफाइड ये लग रहा था, इसका आंसर है टोकन ऑफ इन अफेक्शन। अगर टोकन ऑफ अफेक्शन से तीन लोगों के द्वारा, ओके या तो नहीं तीन चार, फादर मदर ब्रदर या हस्बैंड, अगर ये लोग इनको वेल्थ दे रहे हैं एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन, ओके तो तब ये वेल्थ को एक्वायर कर सकती हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके तो ये जो इनहेरिटेंस वाला पॉइंट है ना, ये बिल्कुल ही आपको ट्रैप करने के लिए दिया हुआ है। उसके बाद हमारा 44th क्वेश्चन, 44th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वरना और किंग, ओके अ डायलॉग ऑन वरना, ओके तो वरना जो है, वरना सिस्टम हमारा, इसके ऊपर एक डायलॉग हुआ था किंग अवंतीपुत्र और कंचन्ना के बीच, ओके डिसाइपल ऑफ बुद्धा, डिसाइपल ऑफ बुद्धा ने अवंतीपुत्र के साथ एक डायलॉग किया था जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में उसको लिखा गया है, उसका नाम आपसे पूछा गया था। तो गाइज अगर आपने इसे सर्च किया होगा गूगल पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ओके इस पे बहुत सी डिबेट्स चल रही हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और ये जुड़ा हुआ है हमारे वर्ण सिस्टम से और आज के कंटेक्स्ट में आई थिंक इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मझिमा निकाय सुत्त, ये इसका पूरा नाम है इस डॉक्यूमेंट का जिसमें अवंतीपुत्र और कंचना के बीच का डायलॉग आपको दिखाया गया है वर्ना सिस्टम के ऊपर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, इसमें एक बुक का पूरा डिस्कशन हो रखा है। उसके बाद है हमारा 45th क्वेश्चन, ये भी बहुत सर्च करना पड़ा था इसका सही आंसर, काफ़ी टफ क्वेश्चन बन गया था ये, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ के बारे में आपसे पूछा गया है, आपसे जो चीज़ें इंपोर्ट करी जाती थी वो आइटम्स के नाम पूछे गए हैं। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में बहुत सी साउथ इंडियन सिटीज से चीज़ें जाती थी रोम को, और रोम हमें भेजते थे कॉइन्स और हम उनको भेजते थे मसाले और कॉटन, ये सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल होता था। और तो गाइज इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट में इंक्लूड नहीं होती थी, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम रोम को नहीं भेजते थे। तो इसका आंसर हो गया हमारा पेपर, पेपर तो नहीं, पेपर तो हम बेचते थे, पेपर तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक ऐसी चीज़ अगर मानी जाए जो हम एक्सपोर्ट करते रहे हैं वो है पेपर, पेपर स्पाइकनॉड और टॉर्टाइस शेल, ये सारी चीज़ें हम सेंड करते थे। लेकिन ये जो नटमेग है, नटमेग मतलब जायफल, जायफल भी एक तरीके का मसाला होता है, ये रोमन लोग इंडिया से नहीं खरीदते थे, ये चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से खरीदते थे। तो ये हो गया हमारा आज का एनालिसिस, आगे के बचे हुए क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हम अभी तक इतना ही हम इसको समझते हैं, आप इसे रिवाइज़ कर लीजिए, और अगर आपका कोई रिव्यू है, आप बताना चाहते हो कि आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा या फिर कौन सा क्वेश्चन आपको लगता है कि उसका आंसर कुछ और होगा, और अगर आपके पास उसके उसके एक्सप्लेनेशन में अगर आपके पास कुछ है, कुछ इंटरेस्टिंग, कोई कोई साइट और कोई कोई भी लिंक, तो आप मुझे मुझसे ज़रूर शेयर करिए और मुझे बताइए कि कौन सा आंसर किस तरीके से होना चाहिए था और आपको आगे कैसे लेसन्स चाहिए, आप ये भी मुझे बता सकते हो। सो दिस इज़ कुलजीत कौर साइनिंग ऑफ, टिल देन टेक केयर।